हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर से बनने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिनसे आपके सवाल बनने हैं। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा रोल है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सवालों के साथ। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो आइए पहले सवाल की बात करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपके पास आ गया है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ओजोन दिवस कहा जाता है, यह प्रतिवर्ष आप कब मनाते हो? तो वर्ल्ड ओजोन डे हम कब मनाते हैं बताना है आपको, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 13 सितंबर। तो सही जवाब की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए। तो ओजोन दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगर बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर बात हुई है ओजोन की, आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको हमने वर्ल्ड ओजोन डे कहा है, ये मनाया गया है। कब मनाया गया है? 16 सितंबर को मनाया गया है। अगर बात करेंगे कि 2021 के विश्व योजना दिवस की थीम क्या थी, तो याद रखने वाली बात है, थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, ये आपकी इस बार की थीम थी। अब बात करें 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसी दिन को 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तभी से लेकर हम इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और लेते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है ओजोन के बारे में, ओजोन हमें मालूम है O3 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ऑक्सीजन का आप आइसोटोप कह सकते हैं, इसे ऑक्सीजन का एलोट्रोप कह सकते हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, चल, इसके लिए सबसे हानिकारक जो गैस है वो कौन सी है, उसे हम CFC कहते हैं, कार्बन फ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह में भरी जाती है, इसे हम प्रसीतक के तौर पर उपयोग करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दो की तरफ। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 किससे संबंधित है? अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 किससे संबंधित है बताना है आपको। यह आपसे पूछा गया है सार्क, SCO, आसियान या फिर ब्रिक्स। तो ये किससे संबंधित होगा अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021? तो दो नंबर के सही जवाब की बात करेंगे तो जवाब हो जाएगा आपका SCO। अब बात कर लेते हैं SCO की क्या है। तो देखिए, भारतीय सैन्य दल, जिसमें 2000 कर्मियों की एक संयुक्त सैन्य शामिल है, इसने संघाई सहयोग संगठन, संघाई कारपोरेशन कह सकते हैं आप, के सदस्य राज्यों के बीच संयुक्त आतंकवाद को अभ्यास के रूप में शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग लिया है। अब बात करेंगे इसके थीम के बारे में। तो अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखने की बात है, 2021 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिशन का छठा संस्करण शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी चीजें जानने वाली है, मैं उन्हें पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, आप उन्हें ध्यान रखिए। सबसे पहले तो याद रखना है कि रूस के द्वारा कहां पर, ऑरेनबर्ग क्षेत्र में। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा संस्करण है, तो बेटा छठा संस्करण है, एक सवाल तो ये बन सकता है आपसे। ठीक है, अब याद रखिए सर जी, SCO के बारे में जानकारी लेते हैं। तो SCO की स्थापना हुई है 15 जून 2001 को। अगर बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, पता होना चाहिए आपको। अगर बात करेंगे इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो व्लादिमीर नोरो इसके सेक्रेटरी हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब कि संघाई में कितने मेंबर शामिल हैं, SCO में वर्तमान में कितने मेंबर हैं। सवाल नंबर तीन की बात करते हैं, शून्य नामक अभियान किस संगठन के द्वारा स्टार्ट किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शून्य नामक अभियान किस संगठन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, आपको जवाब देना है, नीति आयोग, SBI, इसरो, IIT मद्रास। तो आपको जवाब दिखाई पड़ रहा है, ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब आइए नीति आयोग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, 15 सितंबर 2021 को शून्य नाम सा एक अभ्यास स्टार्ट किया गया है,
ये किसके द्वारा या फिर किससे लिया गया है? तो देखिए, हमारे थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन, अब रॉकी माउंटेन कहाँ पड़ता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का पर्वत है, ठीक है, इंस्टीट्यूट IRMI और RMI इंडिया के सहयोग से उपभोक्ता के साथ शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस बारे में बात रखी है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, मोदी जी के कार्यकाल में। इसका पूर्ववर्ती संगठन योजना आयोग था, याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। सीईओ यहाँ के अमिताभ कांत जी हैं। अगर मैं बात करूंगा इसके पूर्वकालिक सदस्य, तो आपको विनोद पाल विशेषज्ञ, विजय कुमार, रमेश चंद कृषि विशेषज्ञ दिखाई पड़ते हैं। और वर्तमान पद सदस्य की बात करें तो राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर जी इसमें शामिल है। चलो, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम थिंक टैंक भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। चले, वेरी गुड, आगे बढ़ लेते हैं। शांतिपूर्ण मिशन 2021 अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा? हम इस सवाल के बारे में अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट में आंसर कर दीजिए कि सर जी, शांतिपूर्ण मिशन 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मेरे ख्याल से यहां पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी को जवाब पता होगा। बिल्कुल ठीक है, रूस। तो रूस इसकी मेजबानी कर रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चे, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं, तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। रूस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस कहाँ पड़ता है? तो रूस यूरेशिया का पार्ट है, ये आपको यूरोप और एशिया दोनों में दिखाई पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुद्रा यहाँ की क्या है? रूबल है मुद्रा। राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 2036 तक नियुक्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के दिमित्री मेदेदेव है, ये भी आपको याद रखना होगा। सारे बच्चे कमेंट में मुझे जल्दी से बताएंगे कि रूस की संसद का नाम क्या है। मैंने कई बार आपसे बताया है रूस की संसद का नाम क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ढेर सारा वीडियो को शेयर करते रहें, और अगर कोई कंटेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलें, 5 नंबर के सवाल की बात करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना IRSTE को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो आर्टिफिशियल संचालित परियोजना IRST किसके द्वारा लॉन्च की गई है? गाजियाबाद, नागपुर, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो देखिए, नागपुर टुडे की यहां पर खबर आपको दिखाई गई है, इसका मतलब जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिल्कुल सही है, आप नागपुर की बात कर सकते हैं। अब देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर इस योजना का उद्घाटन किया है। इससे हम दुर्घटनाओं को कम करने में सफलता हासिल करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पायलट आधार पर इसको स्टार्ट किया गया है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को होती है। इसकी राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है इसकी नागपुर। नागपुर किस लिए फेमस है आप बता सकते हैं? जिले यहाँ पर 36 हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के यहाँ पर CM चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब हैं। और विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 78 हैं तथा विधानसभा की सीटें यहाँ पर 288 हैं। याद रखिएगा, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपने देखा होगा जब इसराइल वाला युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उसे हमने क्या नाम दिया है? फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर, ठीक है। उस युद्ध को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर कहा गया है, ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए प्यारे बच्चे, भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सारे बच्चे इसका जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट किसने स्टार्ट किया या किसने लॉन्च किया? टाटा स्टील, ONGC, LNT या फिर भेल? तो ये किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। मेरे ख्याल से आपको जवाब पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं टाटा स्टील के बारे में। तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम प्यार से टिस्को भी कहते हैं, उम्मीद है इसका नाम सब बच्चों ने सुन रखा होगा। इसकी स्थापना हुई है 26 अगस्त 1907, कहां पे? जमशेदपुर में इसकी स्थापना है, इसीलिए जमशेदपुर को हम टाटा सिटी भी कह सकते हैं। झारखंड की बात है। संस्थापक कौन होंगे? तो जमशेद जी टाटा इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है।
अगर बात करें मुख्य लोगों की, यानी कि इसके हेड कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष चल रहे हैं, सीईओ और प्रबंध निदेशक इसके टीवी नरेंद्र सिंह जी हैं, याद रखिएगा। अब क्या है, तो 14 सितंबर 2021 की बात है ये, जब जमशेदपुर वर्ष में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्टार्ट किया जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी, अभी आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी कि सर जी CO2, सबसे पुरानी CO2 की खोज करने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक कहीं पर रिसर्च कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। चलिए 7 नंबर की बात है, भारत सरकार नवंबर 2021 में किस राज्य में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सारे बच्चे इसका जवाब दीजिए, 2021 में किस राज्य में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर मेघालय। तो सही जवाब की बात करें अगर, तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। देखिए बौद्ध जी की बात है तो बिहार के पास जाना लाजमी है, आपको जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगर हम बात कर लें तो 19 और 20 नवंबर 2021 को नालंदा बिहार में, नव नालंदा बिहार बिहार के परिसर में पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी हो रही है। बिहार की स्थापना हुई है 22 मार्च को, उम्मीद है आप सभी को पता होगा, 1912। अगर हम बात करेंगे तो 1950 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। राजधानी यहां की पटना है, सबसे बड़ा शहर भी यहां का पटना ही है। चलिए, राज्यपाल यहां के फागू चौहान है, नीतीश कुमार जी यहां के सीएम है, रेणुका देवी और तारकेश्वर साहब यहां के उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। किस देश ने स्वदेश में विकसित पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, सारे बच्चे बताइए। किस देश ने स्वदेश में विकसित पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, SLBM, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया या फिर जर्मनी। सही जवाब की अगर हम बात करें तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। अब आइए दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर करते रहेंगे, और अगर कोई जानकारी आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दक्षिण कोरिया ने 15 सितंबर को यह बात रखी है, स्वदेशी रूप से एक पनडुब्बी बनाई है जिससे हम बैलिस्टिक मिसाइल का क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, और परमाणु हथियारों के बिना ऐसा करने वाला यह पहला देश होगा। दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये दिखता है आपको एशिया महाद्वीप के पास, चाइना के बगल में, मैंने आपको दिखाया है, 38 पैरेलल इसे डिवाइड करती है उत्तर कोरिया से। राजधानी और सबसे बड़ा नगर यहाँ का सियोल है। अगर हम बात करें तो मुद्रा यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन चलती है, और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, मून जे इंग, आपको ध्यान रखना होगा। चले वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9 नंबर की बात करें अगर हम, तो किस भारतीय संगठन ने यूनेस्को किंग जेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो किसने जीता है बताना है आपको, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो 9 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। इसके बारे में आप जानकारी रखते होंगे, NIOS नाम की एक संस्था होती है जो हमारे यहाँ छूटे हुए बच्चों को, अर्थात जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उनके लिए बात रखी जाती है। चल, याद रखने वाली यहां पर क्या बात है, आइए उसे देख लेते हैं। तो बस लास्ट पॉइंट इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये 1967 के बाद से स्टार्ट हुआ है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इस बार की कहानी आपको पता है। चले, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2020 कितने लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 34, 51, 72 या फिर 65। तो 10 नंबर के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 51 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, सवाल अच्छा है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। प्यारे बच्चे, 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200वीं जयंती थी, इसलिए ऐसा हुआ है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 1973 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका आधुनिक नाम नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के नाम पर रखा गया है, ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चले वेरी गुड, कोविड की वजह से ऐसा हुआ था, जो 2020 के सम्मान आपको अभी देने पड़ रहे हैं, ये 15 सितंबर की बात है।
ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। यूएनसीटीईडी के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? जल्दी से बताइए। यूएनसीटीईडी के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय जीडीपी विकास की दर का अनुमान क्या है? 9.0%, 8.1%, 6.5 या 7.2? तो 11 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 7.2%। अब बात कर लेते हैं यूएनसीटीईडी के बारे में कि ये क्या है और ये क्या करते हैं। तो देखिए, यूएनसीडी का मतलब है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। चले, 15 सितंबर को इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है आर्थिक विकास दर की, जीडीपी की। 2021 वित्तीय वर्ष है इनका, 7.2% रहने की बात की है। 2022 में 6.7 रहने की बात की है। 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% तक की गिरावट आई है, ये भी याद रखिएगा। यूएनसीटीईडी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल दल महमूद अब्दल ही मोहम्मद, ये इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना इसकी हुई है 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय इसका पड़ता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी बात आपको याद रखनी है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए, अब आज के आखिरी सवाल की बात कर लेते हैं। तो आज का आखिरी सवाल है आपका, किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है, किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पवन कुमार गोयनका, राजा रणधीर सिंह, अजीज अखनौश या प्रतिभा महापात्रा? तो इस सवाल के बारे में आपको जानकारी होगी, चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजा रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजा रणधीर सिंह कौन है? तो प्यारे बच्चे, आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। राजा रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कुवैत पड़ता है, जिसकी राजधानी कुवैती सिटी है। आपको सर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है सारे प्यारे बच्चों को, कुवैत की मुद्रा क्या होगी? दोस्तों, आज के हमारे सुन में इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज सारे बच्चे ढेर सारा लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलता हूं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।